की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया की कोई भी कोने में इंसानियत कैसे ज़िंदा रहनी चाहिए, ये एक उदाहरण उन्होंने सेट किया है। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के पीएम को अगर वो जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है, तो ये इंसानियत सेट करने का एक अलग सा अंदाज़ है और बहुत ही अच्छा मूवी है। निगेटिविटी कुछ भी नहीं है, और आप इस निगेटिविटी पर भरोसा मत कीजिए और मूवी देखने आइए, बहुत अच्छी मूवी है। जी, मुझे लगता है कि जब लोग सुन रहे थे तो उन्होंने खड़े उठ के अपने देश के प्रति वो एक रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग इंजॉय कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे मूवी का, इसलिए शायद वो बीच में आके जब नेशनल एंथम बीच में आया था तब कुछ लोग खड़े होकर रिस्पेक्ट दे रहे थे, बट इट्स ओके, चलता है, क्योंकि ये मूवी था, मूवी में बोल नहीं बोला गया था, जो नेशनल एंथम है वो बोला नहीं गया था, लेकिन आपने देखा टाइगर थ्री कैसी लगी मैम? बहुत अच्छी लगी, और इस बार भी टाइगर थ्री हिट ही होने वाला है, और हमेशा की तरह सलमान खान, और जिस तरह से एंट्री हुई है शाहरुख खान की, तो और भी चार चांद लग गए इस मूवी को, और बहुत अच्छा एक्शन मूवीज़ है, और आप सब आइए और देखिए और इन्जॉय करिए। दिवाली बहुत पटाखेदार होने वाली है बिकॉज ऑफ टाइगर थ्री। थैंक यू सो मच। मैम के बारे में क्या कहेगा? शी लुक नाइस ऑलवेज, और इस टाइम पे भी उन्होंने अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया है, और बहुत ही खूबसूरत वो लग रही है। लग ही नहीं रहा है कि हम न्यू पुरानी कटरीना को देख रहे हैं और न्यू कटरीना देखने को मिल रही है यहाँ पे। रहमान बोले तो अपनी इमरान हाशमी है जो विलन, या ही इज अ विलन इन दिस मूवी, बट पर्सनली मुझे इमरान हाशमी बहुत पसंद है एज अ हीरो, और इसमें उन्होंने अपना अलग एक रूप, अलग एक रोल दिखाया हुआ है, जो काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक है, और मुझे लगता है वो एज अ हीरो भी अच्छे लगते हैं, विलन भी अच्छे लगते हैं, और सलमान खान ने जिस तरह से उनको दिखाया है इस मूवी में, तो मुझे लगता है वो विलन एज अ विलन बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो क्या जवाब देना चाहोगे जो कहते हैं कि सलमान भाई को एक्टिंग नहीं आती है? सलमान इज द, बोल सकते वो तो राजा है फिल्म इंडस्ट्री के, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि हम तो बड़े हुए हैं सलमान भाई को देख के, और मेरे फेवरेट, हमारे फेवरेट और पूरी देश की जनता के सलमान भाई फेवरेट है, और आई थिंक वर्ल्ड के फेवरेट है, तो हमें ऐसे फेवरेट और अच्छे इंसान के प्रति ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि वो तो राजा है फिल्म इंडस्ट्री में। क्या कहो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार कर दिए 2 दिन में? हाँ, ऑफ कोर्स होना ही था, क्योंकि इस दिवाली सीजन में सब सलमान खान को देखना चाहते थे, और उन्होंने हमारी दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाने के लिए हमें एक मौका दिया है, और 100 करोड़ क्या, और ज़्यादा उनको उनकी मूवीज़ की कमाई हो। और जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्में 2022 में नहीं चली, इस साल देखो तो पठान, जवान, उसके बाद गदर, फिर टाइगर थ्री, क्या कहेंगे इस साल बॉलीवुड के लिए अच्छे दिन रहे? बहुत अच्छे दिन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना में ये सब बंद हो गया था, लोग घरों में बैठे थे, इवन दो एक्टर्स भी घरों में बैठे थे, उनकी कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन जिस तरह से ये अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर से लोग बाहर निकल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और इसके ज़रिए बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे हैं, अपने फैमिली को मिल के, फैमिली से मिल के यहाँ पे फैमिली के साथ मूवी देखने आते हैं, और अपने दिन अच्छा करके जाते हैं। लास्ट सवाल आपसे रहेगा मैम, कि जिस तरीके से टाइगर थ्री को नेगेटिव फैलाई जा रही है, नेगेटिविटी, लोग बहुत नेगेटिव फैला रहे हैं, मूवी अच्छी नहीं है, मत देखो, उनको क्या जवाब देना चाहोगे? मूवी बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छा संदेश इस मूवी ने दिया है, और मुझे नहीं लगता नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया की कोई भी कोने में इंसानियत कैसे ज़िंदा रहनी चाहिए, ये एक उदाहरण उन्होंने सेट किया है। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के पीएम को अगर वो जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है, तो ये इंसानियत सेट करने का एक अलग सा अंदाज़ है, और बहुत ही अच्छा मूवी है। निगेटिविटी कुछ भी नहीं है, और आप इस नेगेटिविटी पे भरोसा मत कीजिए और मूवी देखने आइए, बहुत अच्छी मूवी है। एंथम भी आते हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? जी, मुझे लगता है कि जब लोग सुन रहे थे तो उन्होंने खड़े उठ के अपने देश के प्रति वो एक रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे मूवी का, इसलिए शायद वो बीच में आके जब नेशनल एंथम बीच में आया था तब कुछ लोग खड़े होकर रिस्पेक्ट दे रहे थे, बट इट्स ओके, चलता है, क्योंकि ये मूवी था, मूवी में बोल नहीं बोला गया था, जो नेशनल एंथम है वो बोला नहीं गया था, लेकिन म्यूजिक था, तो एंड में रेटिंग क्या होगी 5 में से? मुझे लगता है कि 5 out of 4.5 रेटिंग मिलनी चाहिए मूवी को, और 5 इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि और मूवीज़ में चाहती हूँ जो 5 के ऊपर 10-20 जो भी रेटिंग हो वो मिल जाए सभी मूवीज़ को सलमान खान की, इसलिए 4.5 मेरी तरफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।